दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय को लेकर के जो वैकेंसीज की बात कही गई है, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि 2023-24 के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसीज आएंगी और ये वैकेंसीज एक तरीके से संविदा पर होंगी। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि लगभग 3000 पदों पर भर्ती होगी, लेकिन ये भर्ती ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से नहीं होगी और ना ही इसके लिए आपको कोई एग्ज़ाम देना है। यहाँ पर मेरिट के आधार पर चयन होगा। फॉर्म भी आपको ऑनलाइन स्पीड पोस्ट के जरिए भेजना है। कौन कौन से इसमें लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या क्या योग्यताएं हैं, एज क्राइटेरिया क्या होगा, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ, यानी जिस भी इसमें जो वैकेंसीज आएंगी वो कह सकते हैं सिटी वाइज आएंगी। ठीक है, अगर आपके ज़िले में कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं और वहाँ पर अगर शिक्षकों की कमी होगी तो उस ज़िले की आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे यहाँ पर आपकी जो लखनऊ की वेबसाइट है वो lucknow.nic.in है। इसी तरीके से मान लिया आगरा के स्कूलों में अगर वैकेंसीज निकलती है तो आपको विजिट करना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम इसका PDF और पूरा फॉर्मेट भेज देंगे। जिस भी ज़िले की जानकारी हमें प्राप्त होती रहेगी हम आपको सूचित करते रहेंगे। टेलीग्राम में सर्च करिएगा वनडे एग्जाम श्री और इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये लखनऊ की जो है विज्ञप्ति, उसके माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर अलग अलग ब्यौरा दिया गया है। पूर्णकालिक शिक्षिका की बात करें और ये वैकेंसी स्पेशली महिलाओं के लिए है, और यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो 6/6/2023 शाम 5 बजे तक निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि पंजीकृत डाक के अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी आपको ऑफलाइन फॉर्म भर करके भेजना है। ठीक है, ऑफलाइन ही भेजना है, ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर जाकर के भरना नहीं है और ना ही आपको इसमें कोई परीक्षा देनी है। यहाँ पर 2 पद आपको दिख रहे होंगे जो हैं किसके, भाषा के और गणित के। कितने पद हैं गणित के, यहाँ पर पदों की संख्या 6 है। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर दिया गया है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 25 से 45 वर्ष। अगर आपने BEd किया है तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। DEd वालों को यहाँ पर मौका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से हायर एजुकेशन की बात यहाँ पर की जा रही है। शैक्षिक योग्यता की बात करें, अगर भाषा की बात करें यहाँ पर, तो भाषा में कहा जा रहा है प्रशिक्षित स्नातक हिंदी संस्कृत विषय के साथ स्नातक उपाधि तथा उच्च प्राथमिक स्तर की TET, यानी 6-8 वाला अगर आपने TET पास किया है तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा आगे कहा जा रहा है प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत NCTE से मान्यता प्राप्त BEd या इसके समकक्ष LT, तो यानी DEd वाले इसमें सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर आप गणित के बारे में देखेंगे तो कुल 6 वैकेंसीज हैं। ये लखनऊ जिले की बात कर रहे हैं, अन्य स्टेट की आपको विज्ञप्ति डाउनलोड करके देखनी होगी। वहाँ पर अगर वैकेंसी होगी तो आपको इसका लाभ मिलेगा। यहाँ पर भी PCM ग्रुप से आपने किया हो प्रशिक्षित स्नातक, इसके अलावा 6-8 वाला आपने TET उत्तीर्ण किया हो और साथ ही साथ BEd किया हो। अंग्रेजी भाषा की बात करें तो यहाँ पर 2 सीट हैं। वेतनमान की बात करें तो 22,000 रुपये सैलरी है। प्रशिक्षित स्नातक अंग्रेजी विषय के साथ TET उच्च प्राथमिक और BEd आपने किया हो। विज्ञान की बात करें तो इसमें भी आपका है BSc उच्च प्राथमिक स्तर की TET परीक्षा और यहाँ पर BEd आपने किया हो। इसके बाद अगर हम बात करें सामाजिक विषय, तो यहाँ पर भी नागरिक शास्त्र इतिहास भूगोल किसी एक विषय के साथ स्नातक और यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर के TET की बात करी जा रही है और BEd आपने किया हो। इसी तरीके से कला क्राफ्ट के लिए अंशकालिक शिक्षिका, कंप्यूटर के लिए यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर में कहा जा रहा है BEd तथा उसके समकक्ष ये हो गया। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षण है तो PG, DCA, BCA या इनमें से आपने कोर्स किया हो, या फिर आपके पास अगर आपने ओ लेवल अगर आपने डिप्लोमा किया है और साथ ही साथ उच्च प्राथमिक स्तर की TET परीक्षा पास की है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा के लिए यहाँ पर 2 पद हैं, वेतन इतना है। ये अंशकालिक शिक्षक की बात यहाँ पर करी जा रही है, यहाँ पर TET अनिवार्य नहीं है। लेखाकार, चौकीदार की बात यहाँ पर करें
और चपरासी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख पाएंगे। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। जो आपका आवेदन पत्र है वो विज्ञप्ति के साथ नीचे दिया होगा, इसको आप शुद्ध कह सकते हैं, साफ सुथरा लिख सकते हैं, या फिर इसको आप टाइप करा सकते हैं, जो अपनी डिटेल्स हैं, बायोडेटा। अस्पष्ट, अपूर्ण एवं हस्ताक्षर ना किए गए आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। चयन की जब बात करें तो यहाँ पर चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। लेखाकार के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। बाकी यहाँ पर रसोईया आदि पदों की बात कही जा रही है, मानदेय ऊपर बताया जा चुका है। आवेदन पत्र पर आवेदित पद का नाम, वर्ग विषय और लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है, तो ये लिखना आवश्यक है। अगर ये लिखा नहीं होगा तो आवेदन पत्र आपका निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ अंक प्रमाण पत्रों की यहाँ पर फोटोकॉपी लगानी होगी, स्वप्रमाणित, मतलब आपको वहाँ पर खुद के साइन करने होंगे। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखिए, जिस पर 3 लिफाफे जिसमें 45 रुपये का डाक टिकट, यानी 135 रुपये का लगभग ये खर्चा है। इसके अलावा और कोई खर्चे की तो बात नहीं कही जा रही है। आयु जो काउंट होगी वो 1 अप्रैल 2023 को न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष हो। आरक्षण जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो जिसको मिल रहा है वो मिलेगा, ठीक है। और अगर आप पहले छोड़ते हैं, ये कहा जा रहा है कि अगर आप दिवालियाँ हैं या कोई भी शिकायत आपके खिलाफ आती है तो आपको हटाया जा सकता है, संविदा समाप्त कर दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, उक्त पद पर चयन 2023-24 के लिए होगा। कार्य एवं व्यवहार ठीक पाए जाने पर संविदा अगले के लिए आगे बढ़ाई जाएगी या फिर पहले ही हटाया जा सकता है, सारे अधिकार इनके पास हैं। प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा, मतलब अगर आप हिंदी के साथ अन्य किसी विषय के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग करना पड़ेगा। उपरोक्त विज्ञप्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार समिति के पास होगा, कोई इसमें मतलब आपकी सुनवाई नहीं होगी। चयन के बाद की यहाँ पर बात है, जिसमें 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लगेगा, शपथ पत्र लगेगा। तो उम्मीद करते हैं सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर कुछ डिटेल आपसे मांगी जाएगी इस तरीके से फॉर्म, और जो भी आप डिटेल दें वो हाई स्कूल प्रमाण पत्र के हिसाब से दें। एक आवेदन पत्र एक ही पद के लिए होगा, विज्ञापन संख्या, नाम, पद का नाम, आवेदक का नाम, ये सारी चीज़ें आपको भर करके और अपने डॉक्यूमेंट्स लगा करके स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो लखनऊ की बात हो गई, तो यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्या एज क्राइटेरिया है, क्या खर्चा लगेगा, कैसे फॉर्म भरना है। अब आपको जो डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट होती है, ठीक है, वहाँ पर आपको विजिट करके चेक कर लेना है कि वहाँ पर आपके ज़िले की वैकेंसी आई है या नहीं आई है। आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं, जैसे आप लिखेंगे KGBV कानपुर तो कानपुर के बारे में जो वैकेंसीज की जानकारी है वो आ जाएगी, ठीक है। आपको इसके लिए कानपुर की जो ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे कानपुर देहात की बात करें तो kanpurdehat.nic.in, सीतापुर.nic.in, जैसे आप सिद्धार्थनगर से हैं तो इसकी वेबसाइट होगी, ठीक है, बनारस से हैं तो उसकी वेबसाइट होगी, वहाँ पर आपको ये नोटिस देखने को मिलेगी। ये जो है आप डेट भी देख पा रहे होंगे, 15/5/2023 की नोटिस है, और यहाँ पर लास्ट डेट भी आप देख पा रहे होंगे दी गई है 6/6/2023 की शाम 5 बजे तक निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर में भी इसकी विज्ञप्ति देख पाएंगे, जैसे यहाँ पर न्यूज़पेपर में भी इसकी विज्ञप्ति दी गई है लखनऊ की जो वैकेंसी है। इसके अलावा अन्य स्टेट के लिए अगर आप न्यूज़पेपर देखते हैं तो वहाँ पर विज्ञापन वाला जो पेपर होता है, मतलब जो पेज होता है, वहाँ पर आप इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप अपने ज़िले के लिए गूगल पे ज़रूर सर्च करिए, वहाँ पर आपको डिटेल दिखेगी। अभी हमने हाल ही में चेक किया है तो अभी कानपुर की तो फिलहाल नहीं दिख रही, 2021 की वैकेंसी कानपुर की दिख रही है, बट आपको चेक करते रहना है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जैसे ही कोई महत्वपूर्ण अपडेट आएगी हम आपको सूचित करेंगे। उम्मीद करते हैं सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर विषयवार शिक्षकों की भर्ती के बारे में हमने आपको बताया ही था, और यहाँ पर सैलरी जो है फुल टाइम टीचर की 22,000 रुपये है, पार्ट टाइम 9,800 रुपये है, और एज लिमिट हमने आपको बता ही दिया है। क्वालिफिकेशन बीएड हिंदी और ए सब्जेक्ट के लिए आपका, इसके अलावा 6-8 का TET पास होना अनिवार्य है। उम्मीद करते हैं सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। जो भी आपके डाउट हैं इसके बाद भी वो को आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर हाथरस, बाराबंकी, बागपत की वैकेंसीज के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। यहाँ पर लास्ट डेट आपको दिख रही है 6 जून लखनऊ की है,
हाथरस की 31 मई, बागपत की 31 मई, बाराबंकी की 25 मई, अन्य सिटीज़ की भी यहाँ पर जानकारी आपको मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।